हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को की तो मनपसंद चीज होती है, बच्चों की क्या बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पिज्जा बेस बनाऊंगी। वैसे तो पिज्जा बेस मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इस वाली कटोरी से दो कटोरी मैदा लेनी है। दो कटोरी मैंने मैदा ली है। और इसमें एक चम्मच चीनी मिलानी है, थोड़ा सा और डालना। एक कटोरी एक चम्मच चीनी मिलानी है, आधी चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। इस तरह कर लो इसको। दो चम्मच ऑयल, दही, दही खट्टा वाला चाहिए, एक कटोरी दही, टेस्ट अनुसार नमक। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने खट्टा वाला ही दही लिया, क्योंकि खट्टे वाला दही से अच्छी से खमीर उठ जाती है। आप चाहो तो मार्केट में भी खमीर वेज मिलता है, खमीर वाला ला सकते हो, उसमें गुनगुने पानी में डाल के उससे भी आटा मार सकते हैं इसको, मैदा को, लेकिन मैंने घर में ही ईस्ट बनाया है। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा पानी। मैंने एक कप पानी लिया, लेकिन जितनी जरूरत है उतना डालना। मैं थोड़ा गुनगुना, हल्का गुनगुना सा पानी है। हमें इस तरह का आटा मारना, सख्त नहीं मारना। देखिए मेरा डो लग गया है। इसमें थोड़ा सा और लगा के हाथ में इसको अच्छे से चिकना करना है, इसको बिल्कुल स्मूथ करना है, अच्छे से सॉफ्ट सा बिल्कुल आटा गूंथना है इसका। और इसको हल्का सा तेल लगा के इसको हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैं आज कढ़ाई में बनाऊंगी बगैर ओवन का। जिससे अगर ओवन नहीं होता है तो आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक तवा पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज नमक में बनाऊंगी। मैंने कढ़ाई रखी हुई है और मैंने नमक डाला है। नमक मैंने बहुत बार यूज कर लिया है इसको, तो इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया है। तो नमक को अच्छे से फैला देंगे इसमें कढ़ाई में। नमक को बहुत बार यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने स्टैंड रख दिया है, अब गैस ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद इसको हीट होने के लिए रख देते हैं, जब तक बेस तैयार करते हैं। देखिए मेरा बेस का आटा तैयार है, मैंने एक घंटे के लिए रख दिया था इसको। वो कितना अच्छा मर गया, पूरा अच्छा स्मूथ हो गया अच्छे से। अब मैं इसमें सूखा मैदा डालूंगी। अब मैं इसकी तीन बॉल्स बनाऊंगी। मैं इसको हाथ से फैला दूंगी इस तरह। थोड़ा सा इसको हाथ से बढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा इसको हाथ से फैला देंगे। इसके बाद हम इसको बेलन से बना सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से बेलना है। हमें ज्यादा पतला नहीं करना है इसको।
हमें फोक लूंगी, फोक की सहायता से मैं इसके इस तरह कर दूंगी, इससे ये फूले नहीं। अगर फूल जाएगा तो ये बेकार लगेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल शंदा चली जाएगी, इसलिए हमको इस तरह करना है इसको। इसके बाद मैं बनाऊंगी आज इसमें बनाऊंगी, इसे बहुत अच्छे से बन जाता है। इसमें बटर लगा लूंगी अच्छे से, इसको अच्छे से ग्रीस कर लूंगी बटर से ताकि चिपके ना। बटर लगा लो या ऑयल लगा लो जो आपके पास हो, मैंने बटर लगाया हुआ है। आप चाहो तो प्लेट भी ले सकते हैं, नॉनस्टिक तवा पे भी बना सकते हैं, किसी पे भी। अब मैं इसको इस पर डालूंगी, इसको इस तरह फैला दूंगी हाथ से और अच्छे से। और मैं अच्छे से इसको फिर से कर दूंगी एक बार। अब मैं लगाऊंगी इसमें पिज्जा सॉस। अब मैं मोजरेला चीज डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं भी हो, किसी के पास नहीं भी हो, तो बगैर उसका भी बना सकते हैं, बगैर चीज का भी बन सकता है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं डालूंगी प्याज और आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बच्चे प्याज नहीं खाना तो प्याज मत डालिए, जैसा बच्चों को पसंद आता है। प्याज लिया था इस तरह का काटना है। शिमला मिर्च लिए, ये लंबी पतली काटिए। ये टमाटर है, छोटा छोटा पीस है। अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है जितना कि बनाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद मैं डालूंगी ब्लैक पेपर थोड़ा सा। रेड चिली फ्लेक्स मनपसंद डालना वो डालो। इसके बाद फिर से मैं डालूंगी चीज। चीज से भरा बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बच्चों को तो मजा ही आ जाता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद है। देखिए ये तैयार हो गया। अब मैं इसको रखती हूँ गैस पे। देखिए मैंने गैस हीट हो चुकी अच्छे से, गैस मैंने कढ़ाई रख दी थी नमक डाल के। मैं इस पे स्टैंड पे रख दूंगी, आराम से रखी नहीं तो हाथ ना जले। अब मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए बंद करके रख दूंगी, 15 मिनट बाद में देखूंगी इसको। तो चलिए देखते हैं, मेरे 20 मिनट हो चुके हैं इसको पिज्जा बनने को। अब मैं देखती हूँ मेरा तैयार हुआ पिज्जा कि नहीं। अभी देखिए इतना अच्छा पिज्जा लग रहा है देखने में, चीज कितनी एक बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। तो देखो कितना अच्छा लगा, ब्राउन सा हो चुका मेरा पिज्जा पूरा। अब मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ।
बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, गैस ऑफ कर देती हूँ। ये मेरे मैदा से बनाया हुआ था पिज्जा। अब मैं आटा का भी बना के दिखाती हूँ आपको। ये मेरा आटा का है जो मैंने पहले मैदा का बनाया हुआ था। अब मैं इसको आटा के बनाऊंगी। मैंने आटा भी सेम जैसे मैदा में घोल तैयार किया था, ईस्ट तैयार किया था, वैसे ही इसमें भी आटा में भी ईस्ट तैयार किया। मैंने एक कटोरी आटा लिया हुआ है और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, सोडा और एक चम्मच तेल लिया हुआ है। गुनगुने पानी से इसको लगाया मैंने और आधे घंटे के लिए इसको खमीर उठने के लिए रख दिया था। तो इस तरह देखो आटा का भी ऐसे कितना अच्छी खमीर उठ गई है इसमें, देखिए। अब मैं आटा का भी इसी तरह बना के बताऊंगी आपको जैसे मैंने मैदा का बनाया पहले। देखिए मेरा आटे का, अब मैं आटे का बनाऊंगी। मैंने एक लोई ले रखी है, मैदा का मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं आटा का बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने सूखी मैदा डाली हुई, इसको हाथ से बढ़ाऊंगी। आटा का भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे बेलन से की सहायता से थोड़ा बढ़ा दूंगी। बहुत अच्छा बन जाए, बहुत अच्छी बन जाएगी। मैं इसको ऐसे बढ़ा दिया मैंने। अब मैं इसको भी इस तरह ऐसे कर दूंगी। मैं फोक की सहायता से इसको इस तरह कर दूंगी, इससे फूले ना ये। मैंने वो जो पहले मैदा का बनाया था मैंने वही वाला प्लेट ली है डोसा बनाने की, ढोकले बनाने वाला ये जो मैंने मैदा का बनाया था उसी में मैं बनाऊंगी। आप चाहो तो सादा प्लेट भी रख सकते हैं, इसमें चिपकता भी नहीं, आसानी से निकल भी जाता है। बटर लगा दिया है और मैं इसको इसमें रखूंगी। अब मैं इसमें सॉस लगाऊंगी, पिज्जा सॉस। थोड़ा एक एक इंच की किनारी छोड़ दे, पूरे में ना लगाए नहीं तो इसे बाहर निकलेगा तो इसमें चिपक जाएगा। अब इसमें माजा चीज डालनी है, मैं इसमें छोटी छोटी प्याज डालूंगी, वेजिटेबल्स जैसा बच्चा खाए वैसे डाले। आजकल बच्चों के हिसाब से ही बनाना पड़ता कई चीजें, तो बहुत बच्चे शिमला मिर्ची नहीं खाते, शिमला मिर्ची भी डाल लो छोटी छोटी लंबे लंबे पीस करके। टमाटर भी, आप चाहो तो ये कद्दूकस किया हुआ गाजर है इसको भी डाल सकते हैं और इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ब्लैक पेपर,
रेड चिली फ्लेक्स, फिर से मौजला चीज, अब मैं देख लेती हूँ गरम हो गया अच्छे से, हीट हो गई, पहले से मैंने बनाया था तो पहले से गरम था ये अच्छे से। अब मैं इस पर रख देती हूँ गैस पे, कढ़ाई में रख देती हूँ जी, गैस ऑन कर देती हूँ। अब इसे 20 मिनट के लिए हीट करने के लिए रखना है। अगर आपके पास ओवन हो तो आप ओवन में ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों नमक में ही बनाए हुए हैं कढ़ाई में। देखिए मेरा आटे का जो गेहूं के आटे से बनाया हुआ है, देखते हैं इसको तैयार हो गया है कि नहीं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसा मैदा का दिखता है वैसे ही आटा का दिखता है, बस थोड़ा खाने में थोड़ा 19-20 का टेस्ट हो सकता है। तो इसको उठा लेते हैं, गैस और बंद कर देते हैं। देखिए मेरा गेहूं के आटा का भी पिज्जा तैयार हो चुका है। ये मैंने गेहूं के आटे से बनाया हुआ है और ये मेरा मैदे का आटा, मैदे से बनाया हुआ है, सेम है देखने में, बस खाने में थोड़ा टेस्ट है। तो चलिए पहले से मैदा का देख लेते हैं, इसको कितना चीजी है देखना, बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। देखिए कितना क्रिस्पी है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी। तो मेरा ये मैदे का है और ये मेरा गेहूं के आटे से बनाया हुआ, हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। यदि ये मेरी डिश अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।